कलर यानी कि रंग एक ऐसी चीज है जिसके बिना आपको फीका और सूना सूना लग सकता है। हर कलर की अपनी एक खास वाइब्स होती है जिसको हमारा ब्रेन सब कॉन्शियसली या फिर कॉन्शियसली रीड करता है। आपको शायद नहीं पता होगा लेकिन आपकी बॉडी में जिंदा हर एक सेल लाइट से पूरी तरीके से अफेक्टेड होता है। और सच पूछो तो ये कलर्स कुछ कुछ अजूबे जैसे हैं, ठीक किसी जादू जैसे। हम एक अद्भुत सी रंगीन दुनिया में रह रहे हैं जहां हर एक ऑब्जेक्ट के पास अपना खुद का कलर है और हर एक कलर की अपनी खास और इंटेंस वाइब्रेशंस होती हैं। और फिर यही वाइब्रेशंस आपकी आंखों की नर्व्स में सेंसेशन देती हैं जिससे आप इस कलरफुल वर्ल्ड को देख पाते हो। और फिर जो वाइब्रेशंस पूरे यूनिवर्स में फैली हुई होती हैं वो खुद को म्यूजिकल नोट्स या फिर कलर के फॉर्म में मैनिफेस्ट कर पाती हैं और जिसकी वजह से हमें काफी सारे वर्ड्स और म्यूजिक बार बार दिखाई देते हैं। हर एक कलर हमारे हर बॉडी सेंसेस को हर पल अफेक्ट करता है। ये सारी चीजें कॉन्शियसली या फिर अनकॉन्शियसली हो रही होती है, चाहे हम इनके बारे में जानते हो या नहीं, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप हर एक कलर की वाइब्रेशंस और टर्म्स को जान पाए तो आप अपनी लाइफ के हर एक सेगमेंट में सबसे आगे ही रहोगे। आपकी कंसंट्रेशन, क्रिएटिविटी, फोकस, इंट्यूशन, पावर सब कुछ बढ़ना स्टार्ट कर देंगी। और जो आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे ना वो आपको भी हैरान कर देंगे, क्योंकि अगर आप इन कलर्स के पीछे का विज्ञान जान गए कि इससे आपकी ब्रेन फंक्शनिंग और साथ ही मेंटल, फिजिकल और स्पिरिट बैलेंस सब कुछ बना रहता है। और आज आप ये भी जानोगे कि कैसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज कैसे आपके और आपके ब्रेन के साथ साइकोलॉजिकली खेल रही हैं। तो आज आप इस वीडियो के अंदर मॉडर्न साइंस, एंशियंट साइंस सब कुछ जानने वाले हो। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो 1660s में एक इंग्लिश फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन आइजैक न्यूटन, इन्होंने एक डेमोंस्ट्रेशन करके दिखाया जिसमें व्हाइट लाइट एक इनफाइनाइट सेट ऑफ कलर से मिलकर बनी हुई थी, लेकिन हमारे आईज के लिमिटेड होने की वजह से उस दौरान उन्हें 7 बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट कलर देखने को मिले। तो इससे पहले एक एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर जिनका नाम था एरिस्टोटल, इन्होंने अपनी खुद की एक थ्योरी दी थी। तो इनका ये मानना था कि जो गॉड हैं वो इन सभी कलर्स को हेवन से हमारे लिए भेजते हैं और ये कलर आसमान की लाइट रेज से होते हुए निकलते हैं। उनका ऐसा मानना था कि ये सारे कलर्स लाइट और डार्कनेस से ही निकलते हैं। और इन्होंने इस चीज को 4 तत्वों के साथ भी जोड़ा था जो कि है वाटर, एयर, अर्थ एंड फायर। तो अगर मैं वही हमारे हिंदू धर्म की बात करूं तो हमारे भारत के सबसे पुराने वेद ऋग्वेद तक में इसका जिक्र है। सो अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद, सूर्य देव की 7 रंग की किरण एक दिन मनाती है। और अकॉर्डिंग टू विष्णु पुराण, भगवान विष्णु सूर्यदेव की किरणों में खुद प्रवेश करके अपनी इस प्रेजेंस को पूरे यूनिवर्स में एमिट करते हैं। वेल, ये सारी एंशियंट टीचिंग साइंटिफिक चीजों की ओर इशारा करती ही है, लेकिन उससे भी पहले हर एक लाइट रेज अपने कलर्स की गुणों की ओर इशारा करती भी है। हमारे आसपास के एनवायरमेंट में जितने भी कलर हैं वो हमारे माइंड, बॉडी और सोल हर तरीके से हमारे ऊपर इफेक्ट करते हैं। हर एक कलर की अपनी एक अहमियत है और ये सब विल पावर, विजडम, करेज और साथ ही हीलिंग पावर इन सब से भरे हुए हैं। जैसा कि आप सबको पता ही है, इस यूनिवर्स की हर एक क्रिएशन हम ह्यूमन से इंटररिलेट करती है। वेल, एंशियंट टाइम से ही कलर को हीलिंग प्रॉपर्टीज के लिए यूज करते थे। इस थेरेपी को कलर थेरेपी कहा जाता था और साथ ही ये वेस्टर्न कल्चर में क्रोमोथेरेपी के नाम से भी फेमस है और लगभग इसका यूज काफी हजारों पुराने सालों से हो रहा है। इसका यूज एंशियंट इजिप्ट, चाइना, जापान, इंडिया इन सभी जगह पर होता था, लेकिन ये टेक्निक समय के साथ विलुप्त होने लगी। लेकिन फिर बाद में कुछ रिसर्चर्स और साइंटिस्ट को कलर थेरेपीज के ऐसे एक्सपेरिमेंट्स मिले जिसके बाद तो मानो रेवोल्यूशन सा ही आ गया। लेकिन आज भी वेस्टर्न मेडिकल सिस्टम में कलर थेरेपी को एक एक्सपेरिमेंट ही माना जाता है। और शायद ये कलर थेरेपी हमारे इंडियन से ही ओरिजिनेट हुई है, क्योंकि कुंडलिनी में दिखाए गए चक्रास के कलर कलर व्हील को दर्शाते हैं। वेल, कुछ कलर थेरेपिस्ट का ये मानना है, यानी जो कलर आपकी बॉडी में सबसे कम है आज सिर्फ वही रिस्पॉन्सिबल है आपकी प्रेजेंट हेल्थ कंडीशन में। तो एंशियंट कल्चर यानी कि इजिप्ट, चाइना और इंडिया में कुछ ऐसा बिलीफ था, जैसा कि रेड कलर बॉडी और माइंड को स्टिमुलेट करता है और जिससे ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है। वहीं येलो कलर हमारी नर्व्स को स्टिमुलेट करके हमारी बॉडी को प्योरीफाई करता है और ऑरेंज हमारे लंग्स को हील करता है और हमारे एनर्जी लेवल को इंक्रीज करता है। वहीं ब्लू कलर के बारे में कुछ ऐसा बिलीव था कि हमारी इलनेस, दर्द इन सब से हमें रिकवर कर देता है और हमें हील कर देता है। वहीं इंडिगो कलर हमारी स्किन प्रॉब्लम्स को एलिवेट करता है। सो कलर थेरेपीज की 2 टेक्निक है हमारे पास। आप इसकी प्रैक्टिस या तो उसे देख के कर सकते हो या फिर उसे बॉडी से टच करके यानी फील करके कर सकते हो। सो अकॉर्डिंग टू कलर थेरेपिस्ट, कलर हमारी बॉडी में हमारी स्किन या फिर आईज के थ्रू ही एंटर कर सकता है, क्योंकि हर एक कलर की अपनी वेवलेंथ और यूनिक फ्रिक्वेंसी होती है और हर एक यूनिक फ्रिक्वेंसी का एक डिफरेंट इफेक्ट होता है, वो भी हर एक इंसान पर और जिसके पर्पस अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि जो वार्म कलर्स होते हैं वो सिमुलेटिंग इफेक्ट देते हैं और वहीं जो कूल कलर होते हैं वो कामिंग यानी शांति भरा इफेक्ट देते हैं। और कमाल की बात तो ये है, इस कलर थेरेपी से आप लगभग हर एक डिसीज को क्योर कर सकते हो। ये एक तरह से मेडिकल ट्रीटमेंट का अल्टरनेटिव है। और देखो, 2015 की आई एक रिसर्च जो कि अमेरिकन रिसर्च ऑफ जनरल फार्मेसी में पब्लिश हुई थी। इस रिसर्च में क्रोमोथेरेपी को कुछ कैंसर पेशेंट्स के ऊपर यूज किया और जिसका इफेक्ट बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव था। और फिर बाद में इसी रिसर्च को आगे बढ़ाकर हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी,
एंगर, स्किन इन्फेक्शन, इन सभी पेशेंट्स के ऊपर यूज किया। और कमाल तो ये था कि इसका इफेक्ट हर बार की तरह पॉजिटिव था। इस रिसर्च का PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से इसे क्रॉस चेक कर सकते हो। और हाँ, मैं भी इसके ऊपर कुछ अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ, रिजल्ट्स जल्दी आपके सामने विजिबल होंगे। और क्या आपको पता है, बहुत सारे कल्चर में फिजिकल हीलिंग और स्पिरिचुअल रिचुअल अलग अलग नहीं थे जैसा कि वो अभी हमारे समय में है। इजिप्शियन, तिब्बतियन, नेटिव ऑफ अमेरिकन, इन सभी ने टर्क्यूज कलर को सबसे ज्यादा पवित्र माना था। मोस्टली इन सभी कल्चर में इस कलर का यूज बहुत ही ज्यादा सैक्रेड चीजों के लिए, यानी कि पवित्र वस्तुओं और पवित्र चीजों के लिए होता था। और ऐसे ही हिंदूज और चाइनीज कल्चर भी 5 एलिमेंट सिस्टम से जुड़ा हुआ है, यानी कि जिसे हिंदी में पंच महाभूत कहा जाता है। हमारा ये सिस्टम कई हजार सालों से चला हुआ आ रहा है और इससे जुड़ी एक एक चीज है किसी मिरेकल से कम नहीं है। देखो, इसके अकॉर्डिंग अगर किसी इंसान को गुस्सा बहुत आता है या फिर वो बहुत चढ़ा हुआ रहता है तो उसकी बॉडी में प्रेजेंट फायर एलिमेंट इसके लेवल्स बिगड़ रखे होते हैं। तो हम इस लाइफ फोर्स को बैलेंस रखने के लिए या तो अपनी डाइट या फिर लाइफस्टाइल में चेंज कर सकते हैं, और या फिर हम इस कलर थेरेपी का यूज कर सकते हैं जिसमें आप पूल कलर को यूज कर सकते हो, जैसे ब्लू, व्हाइट, ये सब। ये सारे कलर आपकी बॉडी में अलग वाइब्रेशंस पैदा करेंगे और जिससे आपकी बॉडी एनर्जी एकदम बैलेंस रहेंगी। तो अब हम इस पर हुई कुछ साइंटिफिक रिसर्च के बारे में बात कर लेते हैं और साथ ही कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की भी। तो दिसंबर 1996 में एक रिसर्च परफॉर्म होती है जिसके अकॉर्डिंग जो प्लेसिबो पिल्स हैं वो वार्म कलर्स यानी कि रेड, ऑरेंज और येलो, इन कलर की होने पर ज्यादा इफेक्टिव तरीके से काम करती हैं। और साथ ही जो वही कूल कलर्स हैं जैसे पर्पल, ग्रीन और ब्लू, इन कलर का होने पर इनका इफेक्ट ट्रंकुलाइजिंग यानी कि बहुत शांत होता है। इस रिसर्च का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब नेक्स्ट है 2011 की एक अमेरिकन पब्लिश्ड रिसर्च जिसके अकॉर्डिंग ब्लू कलर को देखने मात्र से ही आपका फोकस और क्रिएटिविटी गहरा होने लगता है। और जिन लोगों का वर्क प्लेस ग्रीन कलर का होता है उन लोगों का जॉब सेटिस्फेक्शन काफी हायर होता है कंपैरेटिवली टू अदर पीपल्स। और साथ ही जो US की जेल यानी कि प्रिजंस होती है वहाँ का कलर पिंक होता है जो कि वहाँ के कैदियों को शांत रखता है। वहाँ का अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ बायोसोशल एंड मेडिकल रिसर्च ये कहता है कि अगर पिंक कलर की प्रेजेंस में कोई इंसान गुस्सा होने का ट्राई भी करे तो वो गुस्सा कर ही नहीं सकता, वो इंसान एग्रेसिव नहीं हो सकता ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिंक कलर, क्योंकि हर्ट मसल्स उस दौरान उस कलर की प्रेजेंस की वजह से तेजी से नहीं भाग सकती। ऐसे ही ब्लैक फ्रायर्स ब्रिज जो कि लंदन में है वो ब्लैक आयरन से बना हुआ है और उसे ग्रीन पेंट किया गया है क्योंकि वहाँ उस जगह पर सबसे ज्यादा सुसाइड रेट्स थे। लेकिन वहाँ उस पर ग्रीन पेंट होते ही वहाँ सुसाइड रेट्स 30% से घट गए। और ऐसे ही रेड यूनिफॉर्म पहनने से स्पोर्ट्स में एडवांटेज होता है क्योंकि ये आपको एड्रेनलिन रश देता है जिससे आपकी हार्ट मसल्स तेजी से पंप होती हैं और साथ ही ऑक्सीजन इनटेक बढ़ने लगता है। पता है कुछ एथलीट्स और स्पोर्ट्समैन एड्रेनलिन रश को बढ़ाने के लिए काफी तरह के ड्रग्स लेते हैं, लेकिन यहाँ तो हमारा काम फ्री में हो रहा है। और ऐसे ही जो ब्लू कलर्स के मटेरियल पेंटेड होते हैं वो काफी लाइट यानी कि हल्के महसूस होते हैं, इसी वजह से जिम में जो मोस्टली चीजें और डंबल्स वगैरह होते हैं वो ब्लू कलर में पेंटेड होते हैं। तो अब हम इन कलर के बारे में बिल्कुल डिटेल में बात करते हैं। तो फर्स्ट है ऑरेंज कलर। देखो, जो सबसे बेस्ट कलर है एग्जाम टाइम में पहनने के लिए वो है ऑरेंज कलर, क्योंकि ये कलर हमारी मेंटल एबिलिटीज को भी स्टिमुलेट करता है और साथ ही ये हमारे ब्रेन की ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ा के हमारे ब्रेन की न्यूरल फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है। ये हमारे मूड को लिफ्ट अप करके हमें एक्साइटमेंट, एडवेंचर, जॉय इन सबसे भर देता है। सो अकॉर्डिंग टू वैदिक एनर्जी सिस्टम हमारी बॉडी में प्रेजेंट दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चक्र जो कि है स्वादिष्ठान चक्र, इस चक्र का हमारे हेल्थ पर बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। सो ऑरेंज कलर इस चक्र को दर्शाता है। और फिर ये चक्र हमारे कॉलन, ब्लैडर, किडनी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और साथ ही हमारे ब्लैडर से भी जुड़ा हुआ है। तो अगर आप इन छोटी दिक्कतों को दूर रखना चाहते हो तो आपको इसको पहनना या फिर नोटिस करना स्टार्ट करना पड़ेगा। और अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट कल्चर उनका ऐसा मानना है कि ऑरेंज कलर ब्लिस से जुड़ा हुआ है और ये तो बेहतरीन एनर्जी बैंड का कॉम्बिनेशन है। अगर आपको अपने वर्क के दौरान अपनी प्रोडक्टिविटी हाई रखनी है तो आप इस कलर को पहनो क्योंकि ये आपके माइंड पर काम करता है। और आपने साथ के साथ देखा भी होगा कि जो फूड पैकेजिंग होती है वो मोस्टली ऑरेंज कलर की होती है क्योंकि ये कलर आपके एपेटाइट को स्टिमुलेट करता है जिससे आपको उसे खाते वक्त टेस्ट का एक बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। अब नेक्स्ट है ग्रीन कलर। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हो, हमारे इन 5 एलिमेंट्स यानी कि पंच महाभूतों में से अर्थ एलिमेंट का कलर ग्रीन है और इसी की वजह से इसका इफेक्ट काफी रिलैक्स और काम होता है। ये कलर आपके अंदर एक नेचर की एक नई फ्रेशनेस लेकर आता है और साथ ही ये आपकी आईज पर भी एक सूथिंग इफेक्ट देता है। और जब भी आपको लगे कि आज का आपका दिन बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल होने वाला है तो आप अपने वार्डरोब में से इसको निकाल कर पहन सकते हो, नहीं तो आप आसपास के पेड़ पौधों को नजारा ले सकते हो और वहाँ की फ्रेशनेस और इस ग्रीन कलर को महसूस कर सकते हो। देखो, अकॉर्डिंग टू एंशियंट कलरोलॉजी ग्रीन कलर आपके लिवर और नर्वस सिस्टम पर एक सूथिंग इफेक्ट देता है। तो आप चाहो तो अपने स्टडी रूम, लिविंग रूम या फिर अपने बेडरूम में इस कलर को पेंट करवा सकते हो या फिर वहाँ स्मॉल प्लांट्स को भी रख सकते हो। नेक्स्ट है ब्लू कलर। ब्लू कलर अब तक का सबसे बेस्ट कलर है जो कि आपकी क्रिएटिविटी और फोकस को निखारता है। ये बात मैं नहीं, ये बात यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया की रिसर्च कह रही है जिसमें ये प्रूव हो चुका है कि ब्लू कलर से आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। इस कलर से हमारे ब्रेन में बहुत
सारे सूथिंग और कामिंग केमिकल्स घुलने लगते हैं और जिनका इफेक्ट आपके माइंड पर काफी शांति भरा होता है। और हमारी बॉडी जिन पंच तत्वों से मिलकर बनी हुई है, उसका पहला तत्व है जल यानी कि वाटर एलिमेंट, जिसका कलर है ब्लू, जो कि हमारे माइंड को रिप्रेजेंट करता है। इस कलर से आपकी बॉडी में पीस और समानताएं बढ़ती हैं। और क्या आपको पता है कि ब्लू कलर अब तक का सबसे ज्यादा पॉपुलर कलर है इस प्लेनेट पर? ब्लू कलर डिपेंडेबल, ट्रस्टेड, लॉयल्टी, इन सभी चीजों को दर्शाता है, इसलिए इस कलर को होर्डिंग्स और ब्रांडिंग में यूज करते हैं। लेकिन आप डार्क डीप ब्लू कलर को पहनते हो या फिर देखते हो, तभी आपकी एंजाइटी और डिप्रेशन को ट्रिगर कर सकता है केवल एक्सेस में होने पर। अगर आप वेट घटाना चाहते हो अपनी ईटिंग कैपेसिटी को कम करके, तो आप इस कलर की प्लेट या फिर इस कलर को डाइनिंग टेबल पर भी यूज कर सकते हो। ये एक नॉन फूड कलर है जो कि फूड पैकेजिंग कंपनियां कभी यूज नहीं करती, क्योंकि एक स्टडी ने ये रिवील किया था कि अगर आप ब्लू कलर के रूम में बैठ के खाना खाते हो तो आप 3 गुना कम कैलोरीज ले पाते हो कंपेयर टू अदर कलर्स। अब नेक्स्ट है येलो। ये कलर सबसे बेस्ट कलर है जो कि आपकी हैप्पीनेस को प्रमोट करता है। सो अकॉर्डिंग टू एंशियंट साइंस, ये कलर धूप का कलर है जो हमारी सोल को अपलिफ्ट करता है और उन्हें निखारता भी है। कभी आपने ये सोचा है कि जो स्माइलीज होती है वो हमेशा पीले कलर की क्यों होती है? पता है इसके पीछे का साइंस क्या है? देखो, ये कलर हमारे ब्रेन में एक न्यूरोकेमिकल जिसका नाम है सेरोटोनिन, उसे रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से हमारा मूड एकदम हैप्पी रहता है। और साथ ही स्टडीज ये भी प्रूव कर चुकी हैं कि येलो कलर हमारे कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करता ही है, और साथ ही हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम को एक वेकअप कॉल भी देता है। लेकिन साथ में स्टडीज ये भी शो करती हैं कि टू मच येलो कलर आपको फटीक यानी कि कमजोरी भी दे सकता है। और साथ ही कुछ रिसर्च ये भी दावा करती है जो बेबी होते हैं वो येलो कलर के रूम में ज्यादा रोते हैं कम्पेयर टू अदर कलर, क्योंकि ये कलर सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है हमारी आईज के लिए, इसलिए पीपल हमेशा येलो रूम्स में अपना टेम्पर खो देते हैं। बट ये कलर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। ये आपकी रिकॉलिंग इन्फॉर्मेशन, फोकस, मेंटल पावर, इन सबको एकदम दुरुस्त कर देता है। ये कलर आपके मेटाबॉलिज्म को भी बहुत तेज कर देता है अगर आप इस कलर का खाना खाते हो तो, या फिर डाइनिंग पर अगर इसे यूज करते हो तो। और साथ ही ये कलर आपके मणिपुर चक्र के कलर को भी रिप्रेजेंट करता है जो कि आपके गट से जुड़ा हुआ है, और इसी की वजह से भी आपका मेटाबॉलिज्म स्पीड अप होता है। अब नेक्स्ट है रेड कलर। वेल, आपको किसी भी जगह अगर अटेंशन चुरानी है तो उसके लिए सबसे बेस्ट कलर है रेड कलर। ये अब तक का सबसे आई कैचिंग कलर है। वेल, अकॉर्डिंग टू आवर हिंदू कल्चर, जिन भी लोगों को कमजोरी रहती है उनको रेड कलर पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि ये कलर हमारे मूलाधार चक्र से जुड़ा हुआ है और यहीं से हमारे पूरे शरीर में एनर्जी मैनेज होती है। और दूसरा, धार्मिक बिलीव ये कहता है कि ये कलर लॉर्ड हनुमान का प्रतीक है जो कि बल, बुद्धि और विद्या के दाता है। और जो इंसान लॉर्ड हनुमान पर भी कॉन्सेंट्रेट करेगा वो इनडायरेक्टली रेड कलर पर ही कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, और जिससे उन्हें मिलती है एक हाई वाइब्रेशन ऑफ एनर्जी, और इसी को भी कलर वाइब्रेशन थेरेपी भी कहा जाता है। और क्या आपको पता है, ये कलर हमारे न्यूरॉन्स और एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, और जिसके चलते हमारा हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, ब्लड और ब्रेन में ऑक्सीजन के लेवल बढ़ने लगते हैं, और फिर जिससे रेस्पिरेशन भी तेज हो जाता है। अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी परफॉर्म करते हो तो उसके लिए सबसे बेस्ट कलर है, क्योंकि ये आपको हाई रखता है। ये कलर बोल्ड स्टेटमेंट और साथ ही लीडरशिप को सिग्निफाई करता है। अगर आपको गुस्सा बहुत आता है या फिर आपको हाइपरटेंशन है तो आप इसे अवॉइड कर सकते हो, और जब आप किसी एग्जाम के लिए जाओ तब उस टाइम पर रेड को अवॉइड करो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, रेड कलर आपके टेस्ट परफॉर्मेंस पर नेगेटिवली इफेक्ट करता है, क्योंकि जब कुछ पार्टिसिपेंट को रेड कलर का नंबर दिया गया तब उनकी परफॉर्मेंस 20% लेस थी कंपेयर टू अदर कलर्स। अब नेक्स्ट है पर्पल कलर। ये कलर रिचनेस और लग्जरी को दर्शाता है। ये कलर आपको सर घुमाने पर मजबूर कर सकता है। अगर आपको कहीं अपना इंप्रेशन झाड़ना हो वहाँ पर्पल चूज कर सकते हो। और साथ ही ये कलर आपके अंदर डीप थॉट्स और स्पिरिचुअलिटी डेवलप करता है। ये हमारी अवेयरनेस और विजडम को एक्सपैंड करता है। ये हमें स्पिरिचुअली बैलेंस्ड रखता है। पर्पल 2 कलर की एनर्जी बैंड से मिलकर बना हुआ है जो कि है रेड और ब्लू, और इसीलिए इसके अंदर रेड कलर की स्ट्रेंथ और ब्लू कलर की स्पिरिचुअलिटी और इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता होती है। और साथ ही ये कलर आपके अंदर सेक्सुअल अर्जेस को बढ़ाता है। सो इफ यू आर ऑन द पाथ ऑफ ब्रह्मचर्य यू हैव टू अवॉइड इट। अब नेक्स्ट है ब्लैक कलर। ये सबसे मिस्टीरियस और सोफेस्टिकेटेड कलर में से ही एक है। ये कलर आपको शून्य भी कर सकता है और बोलने पर मजबूर भी, क्योंकि हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में ये कलर इनएक्सप्रेसिबल है, लेकिन बाकी सारे कलर एक्सप्रेसिव है, और वैसे ही हमारी कॉन्शियसनेस यानी कि आत्मा भी इनएक्सप्रेसिव है। ये ब्लैक कलर सुप्रीम कॉन्शियसनेस को दर्शाता है, और काफी जगह हिंदू स्क्रिप्चर्स में इस कलर को देवताओं और भगवान के साथ जोड़ा गया है। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस रिसर्च, अगर आपको एग्रेसिव रहना है या फिर एग्रेसिव होकर खेलना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट है ब्लैक कलर, क्योंकि एक स्टडी के अकॉर्डिंग जिन भी हॉकी टीम्स ने ब्लैक पहना हुआ था उन्होंने एग्रेसिव होकर ज्यादा फाउल्स किए और वो बार बार पीनलाइज भी हुई। और पता है लोग ब्लैक को इतना पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि हम इसे पहनने के बाद खुद को स्लिम महसूस कर पाते हैं। अब नेक्स्ट है व्हाइट कलर। जैसा कि आप सबको पता ही है कि व्हाइट कलर 7 डिफरेंट कलर्स का मिक्सचर होता है, और इसके अंदर हर एक कलर की हल्की सी क्वालिटी मौजूद होती है। ये कलर स्वच्छता, पवित्रता, शांति और ज्ञान को दर्शाता है। और हमारे हिंदू कल्चर के अनुसार देवी सरस्वती, जो कि ज्ञान के अपार भंडार की देवी मानी जाती है, उन्हें हमेशा से ही सफेद
पोशाक सफेद कमल को पहनाए हुए दिखाया गया है। और जैसा कि एंशिएंट टाइम में जो बुद्धिमान लोग होते थे जैसे कि ब्राह्मण, उन्हें भी व्हाइट कलर से दर्शाया गया है। इस कलर को शोक का रंग भी माना गया है, जिसे किसी के मरने पर भी पहना जाता है। और आपने देखा होगा कि जो हिंदू विडोज होती है वो हमेशा ही सफेद ही पहनती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रिसर्चेस व्हाइट कलर के अंदर सबसे ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स होती है, क्योंकि ये आपके अंदर पॉजिटिविटी को मेंटेन रखता है। और इसलिए जो विधवा औरतें अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल वक्त से गुजर रही होती हैं, उन्हें इसे पहनने से अपने अंदर एक साहस मिलता है। और ये कलर हमारी बॉडी में उठने वाली बाकी इम्पल्सेस को भी शांत रखता है। सो इन द सेंस हर कलर की अपनी एक खास वाइब्स होती है। इन सभी कलर के पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं और साथ ही नेगेटिव भी। तो अगर आप हर चीज को एक बैलेंस में लेकर चलोगे तो वो कभी आपको उसके नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं दिखाएगा। और हाँ, नीचे मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना अगर आपको कलर में चेंज करने से और इस कलर थेरेपी से कोई फायदा होता है तो। सो मैं हूँ केवी एंड आई एम ऑन अ मिशन। मैं एक मिशन पर हूँ, आपकी अच्छी और शाइनिंग हेल्थ मेरी फर्स्ट और लास्ट प्रायोरिटी है। और इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। तो जल्द मिलते हैं ऐसे ही नॉलेज से भरी वीडियोस के साथ। अब तक के लिए राधे।